आज आप लोगों को फाइनली यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कक्षा 11वीं है, विषय इतिहास है, ठीक है ना। ये आप लोगों के निर्देश है, समय 3 घंटा है, पूर्णांक है 80 अंक, ठीक है ना। 20 नंबर का प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये आप लोगों का एकदम 100% रियल है, गारंटेड मेरी है, ठीक है ना। इसीलिए वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों, यारों, दोस्तों सबको शेयर कर दो, एकदम चुप्पे से किसी को नहीं बताना दोस्तों, ठीक है ना। ये आप लोग का एकदम शेयर है, सबको शेयर कर दो एकदम बिना आँखी मूंद के, ठीक है ना। अगर आपका इसका उत्तर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अन्यथा फिर चैनल ढूंढे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए सब्सक्राइब मार के और फिर आना दोबारा, ठीक है ना। चैनल आपको जो है तो कल सुबह तक आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, सुबह तक, क्योंकि आपका पेपर है 8 तारीख को, ठीक है ना। सुबह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है ना, इसके पूरे आंसर, सही हो विकल्प सब, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला है अपना लोगों का, ये आप लोगों को कुछ निर्देश है। पहला सही विकल्प, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व पर सबसे बड़ी देन क्या है, बताना है आप लोगों को देन क्या है। ये आप लोग का है दूसरा, ठीक है ना, एकदम रियल है भाई, 100% मैं आप लोगों को गारंटेड बता रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा है मंगोलों पर सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण है विवरण है, ठीक है ना। ये आप लोग का दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया, ठीक है ना। या आप लोगों को बिना हिचकिचाए अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है ना, टेलीग्राम में जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। ये आप लोगों का पचवा है, ठीक है ना, ये है छठवां, ठीक है ना। अभी हम लोग को इसका दूसरा पेज मिला नहीं है, जैसे मिलेगा टेलीग्राम प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम में जुड़ जाओ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, तो दोस्तों ये है आप लोग का मेटोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताओं बताना है, ठीक है ना। अगर आपका इसका उत्तर चाहते हो ना तो आंसर कमेंट में आंसर जरूर लिख देना यार, आंसर, ताकि मुझे है ना कि तुम्हारी फीलिंग पता चल सके और मैं है ना कि जो है ना तो भेज सकूँ आंसर, ठीक है ना। आंसर ज़रूर लिखना उसमें, ताकि मैं भेज सकूँ, और मैं सुबह तक में वैसे भी गारंटेड सुबह तक में मैं अपलोड कर दूंगा, इसलिए वीडियो को, उस वीडियो को पूरा देखें, सही विकल्प भी है ना कि अपलोड कर दूंगा कल दोपहर तक में, ठीक है ना। इसीलिए वीडियो को पूरा देखते जाएं, ठीक है ना। ये मेसोपोटामिया की शहरी सभ्यता के 2 प्रभाव लिखना है, इसमें षड्दार्शनिक प्रणाली को समझाना है, इसमें वाज नामक कर का क्या महत्व है, इसमें यायावर सम्राट से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग का है 11वां। हाँ, आप लोग को बता दें, अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर सकते, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे सीक्रेट पेपर वहीं पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना, एक आध दो जो होते हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पे कर सकते हैं। हिमांशु रजक 938, ठीक है ना, ठीक है, इसलिए आप लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अगला, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, और 13वां है, मार्टिन लूथर की कोई 2 सिद्धांत लिखी या फिर पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में क्यों हुआ। 14वां, चिनाम्पा क्या है, चिनाम्पा से क्या आशय है। माया सभ्यता के पंचांग के विषय में आप क्या जानते हैं, इनका लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को उत्तर अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक आध 2 घंटे बाद, ठीक है ना। ये है 16वां, मंगोलों की सामाजिक पृष्ठभूमि की विवेचना करना है, और इसका अथवा है चंगेज खान द्वारा स्थापित नुयान व्यवस्था को समझाइए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, आप लोगों का अगला पेपर क्या है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, ये एकदम 100% गारंटेड है मेरे भाई, 100% गारंटेड। मैं आप लोगों को देख लो जाके कि जितने भी पेपर सॉल्व कराए पूरे एकदम रियल 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 वेरी वेरी रियल बताया हूँ, ठीक है ना, जो मैं अभी बताता हूँ रियल नहीं, एक भी गलत। हेलो दोस्तों, तो अगला है आप लोगों का 17 नंबर, ठीक है ना। यश के बारे में परवर्ती मंगोलों का चिंतन किस तरह चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अगला है 18वां, एजटेक और मेसोपोटामिया इन लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए, ठीक है ना। 19वां है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल की 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पास जाने का साहस किया। अगला, माया सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे होते हैं, ये आप लोग का 3 मासिक में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछ लिया गया, ठीक है ना दोस्तों। मोटी एक व्यापारिक नगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। आप लोग का बचा हुआ 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया है। अगला आप लोग का 23, जो कि है ना कि वो बनाना है, ठीक है ना, आप लोगों को मानचित्र बनाना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।